इंदौर शहर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी सारी तैयारियां की जा चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देश के साउथ इंडियन राज्यों में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या चिंता का विषय है, जिसका जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर ने मानव जाति पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा है। सभी वर्ग को इस महामारी से कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, लेकिन दूसरी लहर अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, जिसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। और अब बात की जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि महामारी अभी नहीं गई है, इससे बचाव ही हमारी एकमात्र सुरक्षा है, क्योंकि देश के साउथ राज्यों में अभी भी कई कोरोना मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं और यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। यदि इंदौर शहर की बात की जाए तो शहर में कई गाइडलाइंस बनाई गई है और कई जगहों पर उनका नियमों के तहत पालन नहीं किया जा रहा है। अभी तो ईश्वर की मेहरबानी से पूरी अच्छी स्थिति चल रही है इंदौर की, किंतु जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या साउथ इंडिया के अन्य स्टेट्स में केसेस संख्या चल रही है इस समय या कहीं कहीं राइज में भी है, उसको देख करके डेफिनेटली एक चिंता करना अपन इंदौर के लिए या मध्य प्रदेश के लिए भी होता है कि क्या कारण है कि अभी इंदौर मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है और नीचे के स्टेट्स में है। हम लोग भी इस रीजंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेन्स के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी चल रही है, साउथ इंडियन स्टेट्स की भी चल रही है, और पर फिर भी जहाँ तक मेडिकल फ्रंट की बात है उस पर हम लोग की तैयारी पूरी तेज़ी से चल रही है, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे बेड फैसिलिटी का हो, पेडियाट्रिक बेड फैसिलिटी का हो या गर्भवती महिलाओं की बेड फैसिलिटी का हो, उस पर हम लोग तैयारी तेजी से चल रही है। वैक्सीनेशन भी 80% क्रॉस कर गया है 18+ पात्र लोगों का, तो उसमें वैक्सीनेशन भी इंदौर काफ़ी अच्छी स्थिति में आया है। और अगर कुछ ऐसे कोई आती है लहर कोई, ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों की तरफ से लापरवाहियाँ होना शुरू हो गई है। शादी ब्याह में जो देखने में आ रहा है कि लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं और उसमें मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है या बाकी जगह भी लोग थोड़ा लापरवाही हो गई है, तो डेफिनेटली अगर इस प्रकार की लापरवाही हुई और जैसा साउथ इंडियन स्टेट्स में जो अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक चिंता की बात इंदौर के लिए भी रहती है कि एटलीस्ट नागरिकों को अपनी सुरक्षा खुद मास्क लगा के करते रहें। अगर इस बीच में कोई ऐसा स्ट्रेन आता है या डेल्टा प्लस स्ट्रेन आता है या कोई अन्य स्ट्रेन आता है या इस तरह की किसी वेरिएंट की संभावना आती है, तो उस समय सुरक्षित रह सकें। फिलहाल शहर में जिस तरह से जनजीवन संचालित हो रहा है और गाइडलाइंस की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसे आम जनता को सोचने समझने के साथ ही निजी तौर पर आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। तीसरी लहर को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका उचित रूप से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर जैसे आवश्यक नियमों का पालन कर तीसरी लहर को रोका जा सकता है।